तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आप लोगों को पता ही होगा, गूगल ने एंड्रॉयड 14 की टेस्टिंग के लिए, या बोल सकते हैं बीटा टेस्टिंग चालू करने वाला है, और कुछ हैंडसेट्स में शायद चालू भी हो चुकी है। दोस्तों, सैमसंग ने भी अपने मोबाइल के लिए वन यू आई 6.0 के लिए बोल दिया है कि वन यू आई 6.0 आएगा, जिसमें एंड्रॉयड 14 मिलने वाला है। आज मैं आपको उन लिस्ट के, या बोल सकते हैं उन डिवाइस के नाम बताने वाला हूँ जिसमें वन यू आई 6.0 अपडेट आ सकता है। ये ऑफिशियली नहीं आया अनाउंसमेंट, बट फिर भी इन मोबाइल में बिल्कुल बिल्कुल आने के चांसेस हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो ये जो लिस्ट के नाम है, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बताया प्रीमियम फोन्स में आता है, तो प्रीमियम में आपकी जेड सीरीज में तो जेड फोल्ड 4, जेड फ्लिप 4, जेड फोल्ड 3 और जेड फ्लिप 3, इनमें तो कंफर्म आना ही आना है। उसके बाद एस सीरीज में आता है, तो एस सीरीज में भी आएगा। एस सीरीज में S23 जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, S23 अल्ट्रा, S23 प्लस, S22 अल्ट्रा, S22 प्लस और S22, ऐसे ही S21 FE मॉडल और S21 अल्ट्रा, S21 प्लस और S21। ये तो होगा एस सीरीज में, कन्फर्म आएगा। उसके बाद गैलेक्सी ए सीरीज में आते हैं, तो गैलेक्सी ए सीरीज की A14 में ए और गैलेक्सी A04S, गैलेक्सी A73, गैलेक्सी A53, गैलेक्सी A33, गैलेक्सी A23, गैलेक्सी A13, गैलेक्सी A72, गैलेक्सी A52S 5G, गैलेक्सी A52 LTE 5G। एम सीरीज में M55 5G, M33 5G, M23 5G और टैब में आ जाए तो गैलेक्सी टैब S S अल्ट्रा, गैलेक्सी टैब S8 प्लस, गैलेक्सी S8। तो दोस्तों, ये जो आपको मैंने बताया इन डिवाइस में आ सकता है, ये सैमसंग की तरफ से रोल आउट नहीं है, बल्कि सैमसंग की तरफ से लिस्ट नहीं आई है, ये एक अनुमान है और एक बोल सकते हैं कि इन डिवाइस में आ सकता है। तो ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। और सबसे जरूरी चीज भाई, आप लोग वीडियो देखते जरूर यार, सब्सक्राइब नहीं करते ऐसा मत किया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले कैसे मिलेगी। तो थैंक यू।